फ्रेंड्स, मैं रंजू कुमारी, आज मैं आपको कंकड़बाग के द्वारका कॉलेज के पास में एक 41 साल के पास आई हूँ जो लॉरियल का है। आइए मैं उनके नाम से निभाती हूँ। आइए मैं आपको 41 साल का एक ऑनर्स में मिलवाती हूँ। मैम, आपका नाम क्या होगा? आपके पार्लर में क्या 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 सर्विस दे रही हैं कस्टमर को? पार्लर में फेशियल, थ्रेडिंग, आईब्रो वैक्सिंग और मेकअप, फ्लैट मेकअप, क्रेटीन, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग और ब्राइडल मेकअप। मैं आपको फेशियल, आईब्रो वैक्सिंग, फुल बॉडी वैक्सिंग, थ्रेडिंग और बॉडी वैक्सिंग, बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी टेनिंग सब कुछ होता है हमारे सैलून में, ठीक है? एवरीथिंग सर्विसेज होती है यहाँ। क्रेटीन भी होती है, स्ट्रेटनिंग होती है, यह सारा कुछ होता है हमारे लॉरियल के सैलून में। हमारा सैलून है जो सारा दिन खुला रहता है, ओके। टाइमिंग 9:30 से रात को 8 बजे तक है, ओके। के लिए लेके आए कुछ ब्यूटी टिप्स फेस से रिलेटेड, ठीक है? हम लोग फेशियल हर रोज़ नहीं करवाते, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ठीक है? लेकिन हम लोग को फिर भी घर में बैठ के कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग फेशियल एक क्लीनअप कराते हैं तो 15 डेज में एक क्लीनअप करवाते हैं और 1 महीने में फेशियल करवाते हैं। इससे हमारा फेस ग्लो करता है और शाइन करता है और हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? और इस चीज़ों को बरकरार रखने के लिए हम कुछ घर में भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हम जब सुबह उठें तो फेस को क्लिजिक मिल से साफ़ करें, ठीक है? उसके बाद स्टीजेंट से पोछते हैं और उसके बाद फिर हम लोग फेस वॉश करते हैं और फिर स्टीजेंट लगा के फेस वॉश वगैरह करके हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई फेस वालों के लिए ये कच्चे दूध के साथ, ये गुलाब जल के साथ यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, ओके। ऐसा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी मैं एक अभी आपके सामने रखी है, हबीब का उपटन है। इससे फेस पे लगाना चाहिए और इससे बहुत अच्छा ही रहता है। इसमें हल्दी वगैरह सब कुछ मिक्स है, आप देख सकते हैं। जैसे इसे दिखाइए, देखिए। इसे कैसे मतलब यूज करेंगे मैम? ये एक घरेलू प्रोडक्ट है, ठीक है? इसे हम लोग को इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। मतलब कैसे इसका घोल बनाएंगे? गुलाब जल डाल कर क्या? जो जिनका ड्राई फेस है, हाँ। ड्राई फेस है उनके लिए कच्चे दूध के साथ या गुलाब जल के साथ आप इसको मिक्स पैक को मिला लें, घोल बना लें और 5 मिनट छोड़ दें इस पैक को घोल बनाने के बाद। उसके बाद फेस पे अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद 20 मिनट के बाद छोड़ दें। उसको हल्का सा मल्सिफाई करके उसको उतार दें और उसको फेस को धोएं। इससे आपका फेस में एक चमक आएगा, एक नई जान आ जाएगी, जो कि हम लोग रोज़ अपने घर में कर सकते हैं। जो रोज़ पार्लर नहीं जाते हैं, महीने में एक बार जा रहे हैं या 15 दिन में जा रहे हैं, तो हम लोग के फेस को लिए रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए ही। हम लोग का फेस रोज़ ग्लो नहीं कर सकता है, तो इससे हम लोग का फेस रोज़ ग्लो करेगा। और फेशियल और क्लीनअप तो आप लोग ले ही रहे हो। और उसके उपटन लगाने के बाद थोड़ा सा फेस हमारा ड्राई हो जाता है, तो हम ये सीरम भी ले सकते हैं, या आप लोग के पास हनी वगैरह हो तो आप लोग हनी को भी हल्का सा नींबू मिला के उसको हनी को भी अपने फेस पे लगा के थोड़ा देर छोड़ सकती है, या मलाई हो तो मलाई को भी लगा के छोड़ सकती हैं मल्सिफाई करके, और उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए। चलिए, बहुत बस ठंडे पानी से धो लीजिए।